पत्नीटॉप भी कोई बेईमान नहीं है। अरे सभी बेईमान को तुम अपने पास ला रहे हो, कलपट्टी बंदूक रखते हो, पहले ईडी सीबीआई भेजते हो, कहते हो कि हमारे पास आ जाओ तो तुम जेल में होगे। एकनाथ शिंदे पार्टी के एक एमपी ने कहा कि अब भाजपा में आ गया हूं, अब हमारे पास ईडी सीबीआई नहीं आएगा, ये ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कई जगह चली। तो आज भाजपा में लोग इसलिए आ रहे हैं बीजेपी कांग्रेस के, ताकि वह सुरक्षित हो, और सुरक्षित ही ना हो, जितने मंत्री मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सब देखिए सब बीजेपी के लोग नहीं है। सुधांशु जी यहां तो बोल रहे हैं, पर वहां दरी बिछाने के लिए इनकी कोई जगह नहीं है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? एकनाथ शिंदे। कौन बनेगा उप मुख्यमंत्री? अजीत पवार। एलओपी कौन बनेगा? शिवेंदु अधिकारी। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? हेमंत विश्व शर्मा। नारायण राणे मंत्री बनेंगे। अरे तो आप जब भ्रष्टाचार की बात करते हो, पूरे देश ने यह कहा था कि भाई अदानी की मनी लॉन्ड्रिंग, यहां से हजारों करोड़ रुपए टैक्स हेवन कंट्री में ले गया, वहां से शायद मैनिपुलेट किया, कहां गई ईडी? क्यों नहीं ईडी की जांच करी? तब मैं कहता हूं, फिर से दावे से कह रहा हूं कि आज तक के इतिहास के सबसे भ्रष्टतम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। एक बात और मैं कह देता हूं, अगर हमारे दो मंत्री जेल में, अगर हमारे मंत्री पर आरोप तय हो जाता फांसी पर चढ़ा दो, कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन अगर आरोप तय नहीं होता है तो क्या नरेंद्र मोदी राजनीति करना बंद कर देंगे? भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ना बंद कर देगी? कहे यहां पर अभी सुधांशु जी हैं, मैं कहता हूं कि अगर हमारे दोनों मंत्री हैं फांसी पर चढ़ा दो अगर आरोप तय हो जाता हो, लेकिन तुम राजनीति छोड़ दोगे ये वादा यहां करना पड़ेगा, तो लगेगी जनता में तुम झूठ रही प्रोपेगेंडा नहीं। देखिए वो जनता डिसाइड करते हो, देखिए जो भी डिसीजन होगा वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद होगा। सुधांशु, मैं किसी सत्ता या सरकार या किसी सिस्टम के खिलाफ नहीं हूं, मैं उन लोगों के खिलाफ हूं जो इंसाफ की आवाज दबाना चाहते हैं। मैं उन लोगों के खिलाफ था और हूं और रहूंगा। सुधांशु जी, आप पत्रकार वार्ता करते करते थकते नहीं? यहां आम आदमी पार्टी कह रही है स्कैम ही नहीं है। नहीं है, मैं ये सुप्रीम कोर्ट आप कह रहा है, ठीक है, जवाब आ रहा है, जवाब संजीव जी, जवाब आ रहा है, संजीव जी जवाब आ रहा है, सुधांशु चतुर्वेदी संजीव जी ऐसा नहीं, थैंक यू। तो आज जो कल संजय सिंह जी के मामले में कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया उसका बिंदु क्रमांक 11, 12, 13 और 14, इसीलिए मैं दर्शकों से कह रहा हूं जाके पढ़ लें, पेज नंबर 15 के आसपास है, 11, 12, 13 और 14। बहुत साफ साफ उसमें न्यायालय कहता है कि जिस प्रकार के एविडेंस मिले हैं उसके अनुसार इस विषय पर जांच का आधार बनता है। उसके बाद न्यायालय यह कह रहा है, इसलिए जो ईडी ने डिमांड की थी कि हमें रिमांड पर दिया जाए, उन्होंने कहा कि निर्णय तो जांच के बाद में आएगा, पूरी जांच के बाद, परंतु प्राइमा फेसिया जो भी एविडेंस है उसके आधार के ऊपर रिमांड बनती है। अब मुझे समझ में नहीं आता, ये पढ़े लिखे लोग हैं तो ये पढ़ते नहीं, लिखते नहीं, या पढ़ने लिखने के बाद इनको दिखाई नहीं देता, ये मेरी समझ से परे है। और जब हमारे आम आदमी पार्टी के मित्र बहुत जोशो जुनून में बोलना शुरू कर देते हैं तो वो भूल ही जाते हैं कि साहब वो पवार साहब का नाम ले रहे हैं। नमस्कार, आप देखिए देश का नंबर वन चैनल रिपब्लिक भारत, और आइए अब आपको दिखाते हैं मोटोरोला 5G की रफ्तार से एक मिनट की रिपोर्ट। हेलो मोटो, मोटोरोला भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। 7 अक्टूबर का दिन इसराइल कभी नहीं भूल पाएगा। इसी दिन हमास के आतंकियों ने इसराइल पर 5,000 रॉकेट दागे थे। इस घातक हमले में करीब 7,000 इसराइली नागरिक मारे जा चुके हैं। वहीं इस हमले का इसराइल ने भी करारा जवाब दिया है, जिसमें दूसरी तरफ से 300 से ज्यादा लोग मारे गए। इसके अलावा 1,000 लोग घायल हैं। हमास के इस हमले के बाद अमेरिका समेत कई देशों ने मदद का हाथ बढ़ाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसराइल के प्रधानमंत्री से फोन पर बात भी की। अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। अमेरिका ने मदद के लिए जंगी जहाजों का बेड़ा भूमध्य सागर में भेजा है। इसके साथ ही अमेरिका ने लड़ाकू जहाज F-35, F-15 और F-16 को भी अलर्ट पर रखा है। अमेरिका की इस मदद के बाद माना जा रहा है कि अब हमास का काम तमाम होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। विनोद जी, आपने सुधांशु जी को भी सुना, संजीव झा को भी। विनोद जी, विनोद दादा, देखिए सुधांशु जी ने जो बात कही है
बहुत सारी तार्किक बातें हैं, संजीव जी ने अपनी बात कही, अपनी पार्टी की बात कही, मैं तो अपनी बात कहूंगा। मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार जो है राजनीतिक स्तर पर गंभीर मुद्दा है, और आज से नहीं, लालजी ने बताया कि 1974 में जब जयप्रकाश आंदोलन हुआ भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हुआ था, बीपी सिंह बोफोर्स लेके आए थे, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आए थे, वो अलग बात है, बोफोर्स आज तक साबित नहीं हो पाया और एक भी व्यक्ति को सजा नहीं हुई उसमें। उसके बाद हवाला आया जिसमें अडवाणी जी और कांग्रेस के तमाम बड़े बड़े नेता, वो मदनलाल सिंधिया, मदनलाल खुराना, मोतीलाल वोरा, शरद यादव, आरिफ मोहम्मद खान, बहुत बड़े बड़े नेताओं के नाम आए, जैन डायरी आया, भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा बना, अडवाणी जी ने इस्तीफा भी दिया, सब हुआ। उसके बाद वो मुद्दा भी चाय का फिस हो गया। तो फिर 2013-14 में अन्ना आंदोलन भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हुआ, और ये संजीव जी जिस पार्टी से है उस वक्त पार्टी नहीं बनी थी, अन्ना आंदोलन था, और तमाम सारे नेताओं की तस्वीरें लगा के जी कह रहे थे, बाकायदा जो है कहा गया ये सब इस्तीफा दें, इनकी गिरफ्तारी हो, ये सब भ्रष्ट हो गए, कुछ बड़े बड़े नेताओं की तस्वीरें थी। और उसके बाद अन्ना आंदोलन के बाद 2G और कोवल स्कैम और कॉमनवेल्थ घोटाला, ये सारे CAG की रिपोर्ट आई। 2G पर तो कोर्ट ने कह दिया कि वो कोई सबूत पेश नहीं कर पाई, CBI लोग छूट गए, राजा साहब और कनी मोदी जी सारे लोग छूट गए, और CBI ने दोबारा आगे जाने की जरूरत नहीं समझी अगली कोर्ट में। और बाकी विनोद राय जी ने खुद कहा कि वो एग्जेजरेटेड रिपोर्ट थी और उसके लिए उन्होंने खेद व्यक्त किया। तो भ्रष्टाचार को लेकर तमाम तरह की इस तरह के दृश्य भारतीय जनता के सामने आते रहे, और भ्रष्टाचार को लेकर ललिता जी जेल गई और उसके बाद वो बड़ी भारी बहुमत से चुनाव जीत के आई। लालू जी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा, अब तो वो सजा भी हो चुकी है, उसके बाद वो 15 साल वो हुकूमत करते रहे। तो भ्रष्टाचार इस देश में मुद्दा बनता है, लेकिन जब वोट डालने लोग जाते हैं तो उसमें भ्रष्टाचार भी एक मुद्दा होता है, लेकिन अकेला मुद्दा नहीं होता। भ्रष्टाचार अकेला मुद्दा बना हो ऐसा मैंने कोई चुनाव नहीं देखा। बीपी सिंह के साथ बोपोर से एक मुद्दा बना था, लेकिन उसमें भी जनता दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था।